हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट विकास मैथ मैजिक वर्क बुक एनसीईआरटी। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू विल ऑल ऑफ फाइन। आप घर पर स्टूडेंट्स फाइन होंगे। आई एम उषा टीचर। टुडे स्टार्ट सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे स्टार्ट एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये पेज चैप्टर 7 मेजरमेंट जो हमारा स्टूडेंट्स, उसमें हमें करना है आज एक्टिविटीज। ओके, टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स टू मेजर लेंथ बाई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक फिंगर्स, पैन, आर्म, फुट, स्टेप एंड इट एक्स्ट्रा। ओके, तो स्टूडेंट्स फिंगर मिस होता है उंगलियाँ, स्पैन देखो यहाँ पर, स्पैन मिस होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो चौड़ाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिस यहाँ पर स्पैन क्या है, यू हैंड्स को रख के यू करते हैं, ये स्पैन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या है इसमें, स्पैन हैंड्स का स्पैन किया गया है, एंड आर्म क्यूबिट, और मिस क्या होता है, ये क्यूबिट मिस होता है स्टूडेंट्स हाथ, ये जो हाथ की भुजा है ना उसकी चौड़ाई मापेगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है उसकी, उसका स्पैन लिया गया। ओके, तो क्या क्या गया, क्यूबिट, आर्म, स्पैन। ओके, तो हाथ की जो भुजा है उसका ये स्पैन किया गया है, एंड फुट स्पैन। ओके, जो पैरों की चौड़ाई होती है ना बच्चों, पैरों का पंजे की चौड़ाई, यहाँ पर देखो देखो फुट स्पैन किया गया है, या फुट स्टेप हम पैरों के। ओके, जो पैर से चलते जो स्टेप रखते हैं ना, जैसे एक, जैसे कि एक कदम, दो कदम, तीन, स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप रखते हैं बच्चों, ये दिया, देख सकते हो आप लोग, ये क्या है, ये फुट स्टेप स्पैन। ओके, कि जो पैरों के पंजे से चलते स्पैन की चौड़ाई को मापा गया। देखो यहाँ पर फिंगर को स्पैन को देखो, यहाँ पर ये थ्री रखा है, यहाँ पर ये फिंगर स्पैन हुआ। ओके, ये हैंड का स्पैन हुआ कि हाथों की, जैसे होता है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, क्यूबिट आर्म के हाथों की भुजा का ये हुआ स्पैन, चौड़ाई मापी गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये है फुट स्पैन, फिर ये है फुट स्पैन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फुट, हमें जो ये पैरों का जो पंजा है बच्चों, पैरों के पंजों की चौड़ाई मापी गई है, जैसे देखा से मापते हैं बच्चों चौड़ाई लंबाई वो। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेप, हम जितने पैरों से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चों, वो मापा गया, स्पैन किया गया। ओके स्टूडेंट, ये है स्पैन। ठीक है, फिर यहाँ पर टू नंबर, टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स टू मेजर लेंथ बाय स्टैंडर्ड यूनिट लाइक सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ओके स्टूडेंट, तो मैं आप लोग को टीचर की हेल्प से स्केल पे कैसे मेजरमेंट, कैसे मापा जाता है आपको सीखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 50। ओके, तो यहाँ पे देखो, देखो बच्चों ये 50 तक दिया गया, देख सकते हो बच्चों यहाँ पर, और ये हमारी स्केल है, स्केल कितने मीटर की है बच्चों, स्केल है टोटल 6 सेंटीमीटर की, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर स्केल जो हमारी है कितने सेंटीमीटर की है, स्केल हमारी 15 सेंटीमीटर की है। ओके बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक मापा गया है ना, देखो 0 से 4 तक क्या 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को देखना, अब यहाँ पर 0 से 6 होता तो 6 सेंटीमीटर, 0 से 7 होता तो 7 सेंटीमीटर, 0 से 8 होता तो 8 सेंटीमीटर, 0 से 12 होता तो 12 सेंटीमीटर, और 0 से 13 होता तो 13 सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स से सेंटीमीटर्स को किया गया है। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टीचर और पेरेंट्स विल आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉबेक्स ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास होम एंड प्ले ग्राउंड। ओके बच्चों, तो आप लोग क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर करना है आपको, टीचर और अपने पेरेंट्स सबकी हेल्प से इस क्वेश्चन आंसर को फिलअप्स करना है, क्लासरूम में भी करना है, होम में भी, घर पर भी कर सकते हो, या प्ले ग्राउंड में, खेलने के मैदान। ओके, वन नंबर में, हाउ मेनी स्पैन्स इज द लेंथ ऑफ द टेबल। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो टेबल दिया गया, टेबल की लेंथ, टेबल की लंबाई मापनी आप लोग, स्पैन इज द लेंथ। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, स्पैन इज द लेंथ ऑफ द, आपको चौड़ाई और लंबाई इस तरह से मापनी। ठीक है बच्चों, कितना इसकी लंबाई। ओके स्टूडेंट्स, में पूछा गया है हाउ मेनी स्पैन इज द लेंथ ऑफ द टेबल, तो बच्चों आपको क्या करना है, टेबल का लेंथ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, टेबल की लंबाई मापनी होगी। स्टूडेंट्स, हमने टेक्स्ट बुक में स्पैन किया था, तो जैसे आई होप सबके घर पर टेबल तो होगा, स्कूल में भी टेबल होता है स्टूडेंट्स और घर पे भी होता है, तो आपको टेबल को लेंथ करना है। ठीक है, स्पैन इज द लेंथ। ओके, तो हमें लंबाई आपको उसकी देनी है, चौड़ाई लंबाई होती है बच्चों वो। ओके, टेक्स्ट बुक में हमने स्पैन किया था, स्पैन हमारा 7 आया था टेबल का, और इसमें करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें स्पैन करें यहाँ पर, तो इसके देखो हैंड छोटे तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे अगर स्पैन करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग घर पे अपना स्पैन करके आप लोग खुद कर सकते हो, मैं यहाँ पर अपने, जैसे कि मैं मेरे हैंड के स्पैन से कर दे रही स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा टोटल 10 लेंथ। ओके, फिर
टू नंबर में हाउ मेनी स्पैन इज द लेंथ ऑफ द बुक. बच्चों तो बुक का जो बुक की जो स्पैन आई मीन पूछा गया है बुक की जो लेंथ है बुक की लंबाई कितनी आपको लिखना हो स्टूडेंट्स, तो ये तो आप लोग खुद कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स तो ये जो है कि मैंने मेरे हैंड से स्पैन किया तो मेरे हैंड से आ रहा है इसका जो लेंथ आ इसमें आ गया लेंथ इसमें कितनी है बच्चों यहाँ पर 10 लेंथ आ गया ठीक है. अब यहाँ पे मैंने किया तो मेरे 2 स्पैन इज द लेंथ ओके. हाउ मैनी स्पैन इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल ओके स्टूडेंट. तो पूछा गया बच्चों पेंसिल है तो पेंसिल की ये पेंसिल है पेंसिल का स्पैन इज द लेंथ ओके. पेंसिल की लंबाई कितनी है स्टूडेंट तो पेंसिल की लंबाई तो 2 स्पैन इज द लेंथ ओके. तो 2 स्पैन इज द लेंथ ओके स्टूडेंट्स. आप लोग घर पे एक बार आप लोग घर पे जाके एक बार ये करना आप लोग टेबल पर तो टेबल से आपने हैंड का आपके आपको हैंड से करना है जो लेंथ लेना है से माप ऐसे तो करोगे स्टूडेंट्स. तो मैंने मेरे हाथ से मेरे हैंड से किया तो 10 लेंथ आया और बुक का स्पैन किया तो उसका आया 2 स्पैन इज द लेंथ ओके. बुक की जो लंबाई कितनी है 2 स्पैन है ओके. और 2 स्पैन इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल पेंसिल की भी कितनी है 2 स्पैन. तो हाउ मेनी फीट इज द लेंथ ऑफ द क्लास रूम ओके स्टूडेंट. तो आपको आप क्लास रूम में आपको अपने क्लास रूम की लंबाई की क्या करना है फिर से पैरों के पंजे से आपको अपने क्लास रूम की जो लंबाई को मापना है ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स तो क्लास रूम में आप लोग को अपने फिट से लेंथ करना है तो टोटल कितना 40 फीट लेंथ ओके बच्चों. क्या आपको 40 कदम तो रखने पड़ेंगे क्लास में तो आप क्लासरूम की लंबाई आई हो माप सकते हो ठीक है. सबके क्लासरूम का अलग अलग लेंथ होता है. 5 नंबर में हाउ मेनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द रूम रूम इन द होम ओके स्टूडेंट्स. आप लोग को क्या करना है अपने रूम के अंदर हाँ अपने घर में जाते हो तो रूम के अंदर तक जाते हो तो आप लोग अपने फीट लेंथ मापना है ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ देख सकते हो ये बॉय है. अब बॉय यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो टोटल कुछ कम से कम 10 फीट इज़ द लेंथ ओके. तो 10 कदम तो जाएगा बच्चों तो 10 फीट लेंथ. नाउ वी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स. 6 नंबर हाउ मेनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द कारपेट ओके बच्चों. तो आप लोग को फीट मीन्स पता है ना आपको पैर के पंजों से आप लोग को यहाँ पे इस कारपेट तक पहुँचना है स्टूडेंट. देख सकते हो ये बॉय है अगर यहाँ पे ये अपने की फिट इसके अगर पैरों के पंजों से मापना है तो टोटल कुछ नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कितना 10 फीट तो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कितना क्या आएगा स्टूडेंट 10 फीट लेंथ ओके. उसको 10 कदम लंबाई मापनी पड़ेगी. फिर सेंटर में हाउ मेनी फीट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्री ऑन द ग्राउंड ओके. मैदान के अंदर स्टूडेंट्स आई मीन ग्राउंड में इस मैदान के अंदर 2 पेड़ है अगर इस पेड़ से इस बॉय को इस पेड़ तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कितना अंतर से उससे बच्चों के बीच में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा. और दोनों के पेड़ में अगर जाना है बॉय को यहाँ से यहाँ तक तो कितना टोटल आएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 तो यहाँ से करेगा स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आना उसे तो टोटल कम से कम 20 फीट कि 20 कदम तो उसको चलना पड़ेगा 20 फीट ओके स्टूडेंट. तो उसे 20 कदम चल के उस पेड़ के जो अंतर उसको मापना पड़ेगा ठीक है. तो पेड़ तक वो पहुंच सकता है. 8 नंबर में हाउ मेनी पेंसिल इन द मेजर ऑफ ए ब्लैक बोर्ड ओके स्टूडेंट. तो आप लोग बच्चों कि पेंसिल है पेंसिल से अगर पेंसिल जो पेंसिल तो काफ़ी लॉन्ग होती है पर उससे काफ़ी लॉन्ग कौन होता है ब्लैक बोर्ड. अगर ब्लैक बोर्ड को आपको मापना है मेजरमेंट से तो मापना है तो स्टूडेंट्स आप लोग ब्लैक बोर्ड को मापोगे पेंसिल से तो कितना 15 पेंसिल आएगी ओके स्टूडेंट्स. एक बार हो तो आप लोग क्लासरूम में जब प्रेजेंट होना तो आप लोग ये कर सकते हो ओके. तो 50 पेंसिल्स हाउ मेनी पेंसिल इन द मेजर ऑफ द बेंच ओके स्टूडेंट्स. आप लोग को पेंसिल को ठीक है पेंसिल को इस बेंच से मापना है स्टूडेंट्स ठीक है. हाँ तो स्टूडेंट्स हमें इस बेंच को पेंसिल से मेज़र करना है. तो स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है पेंसिल यहाँ पे देखो आएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो टोटल कितना स्टूडेंट्स हम 6 पेंसिल्स ओके.
हाउ मैनी पेंसिल इज़ द मेज़र ऑफ द स्कूल बैग। क्वेश्चन है साहब आपको क्या करना है, आपको पेंसिल से अपने स्कूल बैग को क्या करना है, देख सकते हो स्टूडेंट स्कूल बैग को मापना है। तो टोटल कितना बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पेंसिल आएगी 1, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कम से कम 3 पेंसिल तो आएगी बैग में, 3 पेंसिल्स। ओके 11 नंबर में हाउ मैनी डंडास इज़ द मेज़र ऑफ द प्ले ग्राउंड। ओके बच्चों तो आप लोग क्या करना है, इस प्ले ग्राउंड को इस डंडे से मापना है स्टूडेंट्स। तो डंडास ओके, तो आपको डंडे से इस मापना है इस ग्राउंड को। आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मापेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ से 2, 3, 4, 5, वैसे टोटल बड़ा मैदान तो होगा स्टूडेंट्स प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर हम अपने लिख देते हैं 20 डंडास। ओके 20 डंडे से मापेंगे। नाउ नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स डू होमवर्क। ओके तो आपको करना है, चलो गृह कार्य करना। ओके ये होमवर्क में करना है आपको। क्वेश्चन 1, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट टिक फॉर द लॉन्गेस्ट नेक एंड टिक फॉर द शॉर्टेस्ट नेक। ओके आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो जो लंबी गर्दन उस पर आपको टिक करना है, जो छोटी गर्दन उस पर आपको शॉर्टेस्ट करना है। ओके तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स इसमें किसके लॉन्ग नेक है, दिस इज बर्ड इज द लॉन्ग नेस्ट, सबसे बड़ी जो गला है इस बर्ड का है, हम इस पर टिक करेंगे। सबसे शॉर्टेस्ट किसका है स्टूडेंट्स, गिरा इस बर्ड का, तो हम इस पर टिक करना है, रॉन्ग करना है। ओके क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फील रेड कलर इन लॉन्गेस्ट रिबन एंड ब्लू कलर इन द शॉर्टेस्ट रिबन। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो रिबन दिए गए हैं जो सबसे लंबा है क्वेश्चन, तो मैं आपको यहाँ पर स्पेलिंग लिखती हूँ, आपको इसमें कलर फिलअप्स करना है, इसमें आपको रेड कलर करना क्योंकि सबसे बड़ा है। एंड शॉर्टेस्ट में कौन सा कलर करना है आपको स्टूडेंट्स, BLU ब्लू, आप लोग इसमें करना है ब्लू कलर फिलिप्स। ओके क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फील रेड कलर इन द थिकेस्ट कैरोट एंड येल्लो कैरेट है थिनेस्ट कैरेट। थिकेस्ट मिस होता है मोटा सा हो और थिनेस्ट मिस होता है पतला। ओके तो सब इसमें थिकेस्ट कौन सा बच्चों, ये रहा, तो इसमें आपको करना है स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग, आप लोग इसमें कलर फिलअप्स करना है रेड एंड थिनेस्ट जो सबसे पतला सा है ठीक, उसमें करना है येल्लो, ये रहा हमारा येल्लो कलर। ओके यहाँ तक कर दिया आपको, और ना भी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक फॉर द लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट एंड क्रॉस फॉर द शॉर्टेस्ट इन द गिनो। के बच्चों आपका टॉलेस्ट मीन्स क्या होता है, ऊंचा, और शॉर्टेस्ट मीन्स क्या होता है, नीचा। तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में दिया गया ऑब्जर्व आपको देखना है और पिक्चर पे फिर आपको जो ऊंचा उस पर टिक करना है, जो छोटा उस पर रॉन्ग करना है। टॉलेस्ट कौन है, तो दिस इज मैन इज द टॉलेस्ट, ये मैन इज द टॉलेस्ट, इस पर हम ऊंची कर दिया। आप शॉर्टेस्ट कौन है, ये बॉय है शॉर्टेस्ट, ये टॉलेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट, ये ऊंचा है, ये नीचा है। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक पुट टिक फॉर द हैवीएस्ट एंड क्रॉस फॉर द लाइटेस्ट इन द गिवन। ओके हैवीएस्ट मिस होता है बच्चों भारी सा, ओके और लाइटेस्ट मिस होता है हल्का सा, तो इसमें बच्चों ये दिया गया। देखो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों विंग है, स्केल है एंड स्कूल बैग, तो इसमें स्टूडेंट देख सकते हो हैवीएस्ट कौन सा है, हैवीएस्ट ये हमारा स्कूल बैग, हमें इस पर टिक कर दिया, ये हैवीएस्ट है। और लाइटेस्ट हल्का कौन सा स्टूडेंट, ये जो पंख है ना बच्चों ये लाइटेस्ट, इस पर हमें क्रॉस कर दिया। क्वेश्चन 6, मेजर द गिवन ऑब्जेक्ट अस पर एग्जाम्पल एंड राइट द आंसर। आपको एग्जाम्पल दे के स्टूडेंट्स हम क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर फिलअप्स करना है। देखो लुक एट दिस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्केल दी गई, ओके इस स्केल से ही आप लोग को मापना है, यहाँ पे दिया गया स्केल से यहीं पे देख सकते हो स्टूडेंट। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में 0 से यहाँ पर देख सकते हो 8 है, तो कितना आई पेंसिल, ये 8 सेंटीमीटर। ओके अब ये 0 से ये जो पेंसिल दी गई है 0 से कहाँ तक स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ पर ये आएगा 10, कितना आएगा स्टूडेंट्स 10, और उसके बाद ये देख सकते हो बच्चों ये नाइफ है चाकू है, तो यहाँ पर आएगा 0 से 11, और ये देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने कहाँ तक आएगा 0 से 4 तक, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से आपको अभी यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ करनी है, फिर आप लोग देख सकते हो ये जो कौन सा बच्चे ये कलरिंग ब्रश है, तो इसको भी देखना ये कहाँ तक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग को यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है आपको मैं करा रही स्टार्ट। देखो यहाँ पर पेंसिल है ना, अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें यहाँ पे जिसका जो राइट है यहाँ तक करना है। ओके ये पेंसिल हमारी कितनी स्टूडेंट्स, ये पेंसिल हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर, आपको लिखना है 10 CENTI मीटर, पेंसिल हमारी 10 सेंटीमीटर की है। ओके उसके बाद आपको नाइफ को करना है, तो नाइफ को करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, नाइफ यहाँ पर आपको लाइन सीधी ड्रॉ करनी है बच्चों, ये नाइफ हमारी जो चाकू है कितनी बच्चों 11 सेंटीमीटर, 11 CENTI
meters सेंटीमीटर्स ओके। उसके बाद बच्चों देखिए ये मैच बॉक्स की जो दिया सलाई है यहाँ पर हमें काउंट करना है, नहीं सॉरी काउंटिंग है, हमें इसको भी मापना है। तो क्या था कि बच्चों 4 सेंटीमीटर ठीक है, 4 सेंटीमीटर्स ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो कलरिंग ब्रश है इसे भी हमें करना है, तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स ये कलरिंग ब्रश को ये हमारी ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके लास्ट में देख सकते हो स्टूडेंट अभी हमें करना है इसे कहाँ तक है स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो ये हमारा 9 सेंटीमीटर ओके बच्चों। तो स्टूडेंट्स मेजर द गिवन ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल कंप्लीट ओके स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोग रेडी टू होमवर्क भी करा दिया, तो स्टूडेंट्स आप लोग को प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग ये कलर फिलअप्स करना है, ये मैं आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ, और प्लस आपको स्टूडेंट्स आपकी वर्क बुक में ये सब कंप्लीट करना है ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे का हम है चैप्टर 8 नंबर फ्रॉम 21 to 50। पहले हम करेंगे टेक्स्ट बुक में, उसके बाद करेंगे स्टूडेंट्स वर्क बुक ओके स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 स्टार्ट करूँगी ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट करना है आपकी वर्क बुक एंड टेक्स्ट बुक। थैंक यू।